हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन इन वेरियस फील्ड। आज हम बात करेंगे डाबर च्यवनप्राश के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, डाबर च्यवनप्राश भारत का सबसे पुराना हेल्थ सप्लीमेंट है। डाबर च्यवनप्राश में 40 शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया जाता है, जिसमें आंवले का गूदा ज़्यादा मात्रा में होता है। आंवले के गूदे में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी और रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रचुर मात्रा में होती है। पतंजलि च्यवनप्राश और डाबर च्यवनप्राश में लगभग सेम जड़ी बूटियां होती हैं, बस फर्क इतना होता है कि जो पतंजलि च्यवनप्राश है उसके हर 10 ग्राम में 5.8 ग्राम चीनी होता है, जबकि डाबर च्यवनप्राश में 2.8 ग्राम चीनी होता है। आप एक्स्ट्रा स्वीटनेस फील कर सकते हैं जब आप पतंजलि च्यवनप्राश खाएंगे। तो डाबर च्यवनप्राश और पतंजलि च्यवनप्राश दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि डाबर च्यवनप्राश में चीनी की मात्रा कम है और पतंजलि च्यवनप्राश में चीनी की मात्रा अधिक है। डाबर च्यवनप्राश भारत के लोगों में सबसे ज़्यादा विश्वसनीय है। च्यवनप्राश बहुत शक्तिशाली और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, किंतु इसे सही तरीके से खाना ज़रूरी है। सबसे पहले इसे फर्स्ट नंबर खाली पेट प्रातः सुबह ही खाना चाहिए। नंबर सेकंड, थोड़ी मात्रा में खाना शुरू करें, फिर धीरे धीरे 2 फुल चम्मच तक ले जा सकते हैं। इसे धीरे धीरे खाएं जिससे इसका अच्छे से पाचन हो सके। नंबर थ्री, कम से कम आधा घंटा इसे खाने के बाद कुछ भी ना खाएं, जिससे जड़ी बूटियां अपना काम शरीर में अच्छी तरह कर सकें। नंबर चार, इसे किसी भी चीज़ में मिला के ना खाएं, जैसा कि ज़्यादातर लोग कहते हैं दूध में मिलाकर पीने से इसके ज़्यादा फायदे होते हैं। तो आप इन सब बातों का ख्याल रखें और डाबर च्यवनप्राश से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं और खुश रहें। मेरा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरा नॉलेज आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक बटन हिट ज़रूर करें। थैंक यू।